उर्दू और अंग्रेजी के साथ अब मैंडेरियन भी पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। सोमवार को पाकिस्तान की संसद में इसके संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया था कि पाकिस्तान और चीन के संबंधों को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुसैन हकानी ने ट्विटर पर लिखा, 70 वर्षों के कम समय में पाकिस्तान ने 4 भाषाओं को तवज्जो दी है, जो कि पाकिस्तान की मातृभाषा नहीं है। अंग्रेजी, उर्दू, अरबी के बाद अब चाइनीज भी इसमें शामिल हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये खबरें झूठ है। पाकिस्तान ने मैंडेरियन को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया है। दरअसल ये सब पाकिस्तानी चैनल के रिपोर्टर की गलत रिपोर्टिंग की वजह से हुई है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान की सेनेटर खालिदा परवीन ने सदन में ये सुझाव दिया कि वर्तमान और आने वाले दिनों में CPEC में ह्यूमन रिसोर्स के मद्देनजर पाकिस्तान में ऑफिशियल चाइनीज लैंग्वेज लोगों को सिखाई जानी चाहिए।